नमस्कार मैं हूं अमित कटोच स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ एंड जीके विद अमित में कंप्यूटर जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंपॉर्टेंट एव्रिवेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर कंप्यूटर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एव्रिवेशन है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इससे पहले भी काफ़ी टॉपिक हैं जिनसे जिनके जो हैं क्वेश्चन आंसर सेट लगाए हैं तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उनके लिंक जो हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट एव्रिवेशन है फुल फॉर्म ऑफ ए डी सी चार ऑप्शन आपके पास है अलॉन्ग डिजिटल कन्वर्टर अलॉग्रिदम डिजिटल कन्वर्टर अमेरिकन डिजिटल कन्वर्टर या फिर अलॉन्ग डेसिमल कन्वर्टर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनालग डिजिटल कन्वर्टर नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ए डी पी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोटोकॉल एक्सटेंडेड डाटा प्रोटोकॉल इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस रैंडम ओनली मेमोरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मशीन इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए इिजेबल प्रो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी ये मेमरी का पार्ट है जो मेमोरी के अंतर्गत आता है जो कि रोम के पार्ट के अंतर्गत आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ई डी एस ए सी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज एटॉमिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक डिलीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या फिर नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नेक्स्ट है डबल ई प्रोम की फॉर्म क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार जो है ये पूछी भी जाती है तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी जो नेक्स्ट पार्ट होंगे वो आपको मिल सके और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एन ईक ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो 1946 में बना था तो इसकी फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक Numerical integrated and computer. तो इसकी जो है 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 वो चार ऑप्शन आपके पास हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चार्ज अगर आपने मेरे फिफ्टी प्लस क्वेश्चन की जो कंप्यूटर की वीडियो थी जिसमें मिक्स चैप्टर के मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी मैंने ये फुल फॉर्म करवाई थी नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होनी चाहिए ये कॉमन फुल फॉर्म है तो मैंने ये जो है एक ही स्लाइड में ली है कौन सी फर्स्ट है ए आई इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेक्स्ट है ई मेल ई मेल जहाँ पर भी आपको ई डॉट में मिलेगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है नेक्स्ट है ई e कॉमर्स इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एलोग एलोग लैंग्वेज सी यू कंट्रोल यूनिट एंड ए टी एम ऑटोमेटिक टेलर मशीन नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ ए एल यू ये सी पी यू का पार्ट है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटिक सॉरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन बी लॉजिक यूनिट ये जो है सी का पार्ट है उसका काम जो है जो कैलकुलेशन होती है वो पार्ट सॉल्व करना है कंप्यूटर का नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ बी ए आर सी इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ बेसिक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है चार ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ये जो इसकी फुल फॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ सी ए डी चार ऑप्शन आपके पास हैं फर्स्ट है कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिसीजन कंप्यूटर एडिटिव डेवलपमेंट कंप्यूटर आर्टिफिशियल डिस्क इसका आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ सी एम कंप्यूटर एडिड मशीन कंप्यूटर ऑटोमेटिक मेमोरी कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों सेम है पीछे वाली और ये वाली तो दोनों आपने अपने, अपने दिमाग में रखनी है नेक्स्ट देखते हैं इसमें भी कुछ कॉमन फुल फॉर्म है जैसे सी डी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और सी डी आर डब्ल्यू इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट और सी डी की आपको पता होगा कॉम्पैक्ट डिस्क और सी पी यू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो ये कई जो है इनको भी पूछ लेते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डी बी डी डी बी डी की फुल फॉर्म क्या है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डाटा वीडियो डिस्क डिजिटल डेवलपमेंट डिस्क या फिर ऑल ऑफ दिस डीवीडी की फुल फॉर्म एक डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है और साथ में डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होती है तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट right आंसर है साथ में जो है आपने डिजिटल वीडियो डिस्क भी याद रखना है नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डी एफ डी चार ऑप्शन आपके पास हैं डाटा फ्लो डायग्राम डाटा फ्लो डिसीज़न डिजिटल फ्लो डायग्राम या फिर डाटा बेस फ्यू डाइग्राम इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डाटा फ्लो डायग्राम जो है डीएफटी की फुल फॉर्म होती है नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डी बी एम एस मैंने सेलेक्टेड एब्रीवेशन ली है तो आप ये मत सोचना कि मैंने काफ़ी टफ ली हैं तो ये कुछ ही साठ सत्तर के करीब है तो ये कम से कम आपको पता होनी चाहिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट एवरिवेसन है फुल फॉर्म ऑफ डी पी आई चार ऑप्शन आपके पास हैं डाटा प्रोग्राम इंटीग्रेशन डाटा प्रोसेस इंटरचार्ज डोमेन पर इंच या फिर डोर्स पर इंच इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डोर्स पर इंच ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी पूछी गई एब्रीवेशन है नेक्स्ट देखते हैं कॉमन एब्रिवेशन ली है मैंने कुछ डी सी एल इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल कमांड लैंग्वेज डी एन एस डोमेन नेम सिस्टम डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डी रैम की फुल फॉर्म होती है डाइनामिक रैम और एस रैम स्टैटिक रैम ये दोनों ही रैम के पार्ट हैं और दो ही पार्ट जो हैं रैम के होते हैं रैम मींस रीड ओनली मेमरी रैंडम एक्सेस मेमरी नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एल सी डी एल सी डी की फुल फॉर्म क्या होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लोकल क्रिस्टल डिस्प्ले लिक्विड कॉमन डिस्प्ले या फिर लिक्विड क्रिस्टल डाइलॉग इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये भी मैंने पहले जो क्वेश्चन आंसर सेट लगाए हैं उनमें ये फुल फॉर्म ली थी नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एफ टी पी फिल्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोसेस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आर जी पी ये भी इम्पोर्टेंट है चार ऑप्शन आपके पास हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आपको जो है ये पता होनी चाहिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड फॉर पी ओ एस फुल फॉर्म ऑफ पी ओ एस पी ओ एस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एच पी जी के की सीरीज़ के भी मैंने काफ़ी टॉपिक डिटेल में कंप्लीट करवाए हैं तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं तो आप वहाँ पे क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं वीडियो को देखने पर आपको हंड्रेड परसेंट जो है हेल्प जरूर मिलेंगी और ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी तो वीडियो को जरूर देखें नेक्स्ट है कुछ कॉमन एप्लीवेशन है जैसे एम एस एक्सेस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एम एस डोज मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस एक्सेल मीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एम एस विंडोज़ मीन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एम एस मीन माइक्रोसॉफ्ट तो लास्ट में है एम बी एम बी मीन्स मेगा बाइट साथ में आपको के बी जी बी और टी बी की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए तो जिनको पता है वो कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ओ एम आर ये भी इंपोर्टेंट एव्रीवेशन है चार ऑप्शन आपके पास हैं। ओरिजिनल मार्क रीडर ओरिजिनल मार्क रिकॉर्डर ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डर तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर नेक्स्ट एव्रीवेशन है फुल फॉर्म ऑफ ओ सी आर ओरिजिनल करेक्टर रीडर ओरिजिनल क्रिस्टल रिकॉर्डर ऑप्टिकल क्रिस्टल रिकॉर्डर या फिर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इनके क्या यूज हैं तो वो आपको डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे तब तो पता चलेगा बट अभी जो हम क्वेश्चन सेट ही लगा रहे हैं नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एम टी एन एल चार ऑप्शन आपके पास हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इनसे संबंधित कुछ और भी एब्रिवेशन होती हैं तो आपने वो भी जरूर देखनी है नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एच डब्लू टी पी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल और साथ में जो है आपको एच टी एम एल की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए तो अगर आपको पता है वो तो भी कमेंट जरूर करें वो तो भी मैंने जो पहले क्वेश्चन आंसर सेट से लगाए हैं उनमें वो बताई है नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एम ए एन जैसे एम ए एन है तो उससे संबंधित जैसे एल ए एन है डब्ल्यू ए एन है तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म है उसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए मेट्रोपोलपोलिटन एरिया नेटवर्क और एल एल ए एन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क और डब्ल्यू ए एन की फॉर्म होती है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आई एस डी एन इसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क तो आप देख सकते हैं राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क नेक्स्ट है कॉमन एब्रीवेशन है जैसे पी डी एल प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज पी एल वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन ओ एस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम के बी पी एस मीन किलो वाइट पर सेकेंड पी एस टी एन मीन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू 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 ट्रिपल डब्ल्यू मीन्स ये भी कॉमन एप्रिवेशन uh, है जो काफ़ी बार यूज़ होती है तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ यू एस बी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यू एस बी आप जानते होंगे शॉर्ट फॉर्म में बट उसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू ओ आर एम चार ऑप्शन आपके पास हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट वंस रीड मैनी तो ऐसे ऐसे जो अब्रिवेशन होती हैं वही जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं अभी थोड़ा जो है एग्ज़ाम लेवल काफ़ी हाई हो गया है तो अब्रिवेशन भी थोड़ी टफ आ रही हैं नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू ए एन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जैसे एम ए एन होता है एल ए एन होता है वैसे ही डब्ल्यू एन होता है तो इसका जो राइट right आंसर है वो है वाइड एरिया नेटवर्क तो ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए ये जो डब्ल्यू एन है और जो एल ए एन है ये काफ़ी टाइम जो है पूछी जाती है नेक्स्ट है कुछ लास्ट में मैंने एव्रीवेशन ली है तो वो भी आप देख सकते हैं जैसे डब्ल्यू एल एल वायरलेस लोकल लूप वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वी डी यू विजअल डिस्प्ले यूनिट यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी सी पी मीनस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और लास्ट में जो है एस सी एस आई पोर्ट मीन स्माल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट ये ये जो थी सिक्सटी सेवेंटी के करीब जेबरीशन थी जो सभी जो हैं कंप्यूटर से संबंधित हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद